के लिए जो मेरे हॉस्टल से 18 मिनट की दूरी पर दिखा रहा है। यहाँ से लेफ्ट लेके यहाँ से मैंने मैप भी लगाया है, सिर्फ 18 मिनट का दूरी दिखा रहा है यहाँ से मदर हाउस के लिए। 17 मिनट हो गया, 17 मिनट अभी रिमेनिंग दिखा रहा है। जो कोलकाता में मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था, यहाँ एम्बेसडर कार्स बहुत है और यहाँ से शायद आगे की तरफ मदर टेरेसा का कोई मिशनरी शॉप है, मिर्जा गालिब स्ट्रीट पे है हमें अभी। मदर हाउस कहाँ पे पड़ेगा? मदर हाउस यहाँ से राइट लेने को बोल रहा है। मदर हाउस कहाँ पे पड़ेगा? मदर हाउस कितना मिलेगा? मदर हाउस हाँ 120 टका था। हाँ 120 टका, 120 रुपये है एक किलोमीटर? नो नो कितना बाबा? नो 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 120 बहुत है। मदर हाउस जाने के लिए ये आदमी मेरे से 120 रुपये मांग रहा है। एक्चुअल में ये उतना लंबा नहीं है, आप अगर मैप लगा के आएंगे तो थोड़ी ही मोड़ आपको मिलेंगे यहाँ से। जो हमने सिर्फ एक लेफ्ट और एक राइट लिया है पार्क स्ट्रीट से, तो आप यहाँ आ सकते हैं डायरेक्टली मैप लगा के भी। मिशनरी चैरिटीज है कोई मदर टेरेसा का, मदर टेरेसा का तो पूरा इंडिया दीवाना है। ये बाहर से आके कैसे यहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन के पाठ पढ़ाए थे हमें, उनके बारे में हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। ये कोई फॉरेन से आके यहाँ पे उन्होंने जो हमें चैरिटी सिखाई, ये समाज में कैसे इकट्ठा बने रहे हम, इसके बारे में हमें बताया और बाकी भी सारी जानकारी हम वहाँ जाके इकट्ठा करेंगे। अभी मैं हूँ वॉकिंग डिस्टेंस पे, अभी मेरा डिस्टेंस दिखा रहा है 1 किलोमीटर सिर्फ, और 13 मिनट का वॉक लगा के हम वहाँ जाके ही आपको अभी जो भी डिटेल मदर टेरेसा के बारे में आप जानना चाहते हैं या जानना चाहेंगे, क्योंकि कोलकाता सिटी में जैसे आप आएंगे दो नाम आपको ऊपर के आएंगे। एक पहला नाम होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरा नाम आएगा जो मदर टेरेसा का ही होगा। तो ये दो जगह जाना तो बनता ही है आपका। और ये अभी दिखा रहा है 12 मिनट का वॉक सिर्फ पूरे इस लोकेशन से, तो हम उसके बाद वहाँ पहुँच के ही, मेरे को भी ज़्यादा कुछ उनके बारे में अगर मैं थोड़ा गलत जानकारी आपको दूंगा तो ये मेरे को भी उचित नहीं लगेगा। मिशन चैरिटी
और ये हम अभी गूगल लगा के आए थे मदर चैरिटी। मदर विजिटिंग हॉर्स जो है, आप विजिटिंग हॉर्स भी देख सकते हैं, विजिटिंग हॉर्स फॉर मदर 8 AM to 12 noon, 3 PM to 6 PM, नो विजिटर ऑन थर्सडे, नो विजिटर्स ऑन थर्सडे, मदर ऑफ द मिशनरी चैरिटी, विजिटर आर रिक्वेस्टेड टू बी अपॉइंटेड टू कीप यूर मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड, टेक केयर ऑफ बिलोंगिंग, यू आर अलाउड टू कीप यूर शूज ऑन, इफ यूर शूज आर स्टोलन यू विल बी डिस्ट्रेस्ड, एवरी फ्राइडे होली मास एंड ब्लेसिंग्स 4:30, एवरी फर्स्ट सैटरडे रोजरी, द काइंडली बी अवेयर दैट एंट्री ऑफ रिक्वेस्टेड टू द फोटो मोबाइल फोन इनफॉर्म, काइंडली बी अवेयर दैट योर एंट्री विजिट टू मदर स्टॉन दैट रिक्वायर एनी प्लीज अवॉइड विजिटर्स हु माइट डिमांडिंग मनी फॉर ओपनिंग द सर्विस। यहाँ पे अभी मदर टेरेसा का जो होम है मिशनरी, वो लिखा है कि परमिटेड नहीं है, फोटोग्राफ परमिटेड ओनली एट द मदर हाउस, एंड ये है उनका नज़ारा, ये है but no videos. No videos, okay. No videos. Okay, thank you. Only pictures. Okay, thank you. घर के सामने हम अभी मदर टेरेसा के घर के सामने है, और उन्होंने एक बुकलेट दिया है हमें जिसमें उनकी सारी मालूमात है। आप देख सकते हैं ये वाला बुकलेट है, और ये बुकलेट उन्होंने फ्री ऑफ चार्ज मेरे को दिया है, और इस उनको शांति का नोबल पुरस्कार भी दिया गया है, और ये उनका पहला नाम गोंजा कुछ तो था, और मैंने सिस्टर को इंसिस्ट भी किया कि अगर आप मदर के बारे में 2 मिनट अगर बोल सकती है तो बोल लीजिए, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा डिनाइड कर दिया, और अंदर वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं थी। जो भी मदर टेरेसा की बहुत सारी चीज़ें अंदर रखी हुई है, जैसे टेलीफोन, कुर्सी, उनकी वाइट और नीली बॉर्डर की साड़ियाँ, तो कोलकाता सिटी में नीली कलर की बिल्डिंग क्यों होती है, एक्चुअल में मेरे को लगता है मदर टेरेसा का साड़ी का जो बॉर्डर था नीले कलर से, वो क्यों था पता नहीं, लेकिन मेरे को कोलकाता सिटी में नीला और पीली कलर की बिल्डिंग ज़्यादा दिखी है। तो ये स्टॉप आएगा आपको कहीं से भी आप आके, या मदर टेरेसा जो मदर हाउस है मिशनरीज ऑफ चैरिटी करके ये स्टॉप है, यहाँ पर आ सकते हैं। ये कोलकाता 54A AJC बोस रोड पे है, और यहाँ आके आप 100% मेडिटेशन फील करेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी शांति है, जो मदर टेरेसा का समाधि स्थल है यहाँ, और जितने भी सिस्टरों से मैं मिला उन्होंने एकदम अच्छी तरीके से मेरे को बातचीत की, लेकिन थोड़ा सा वीडियोग्राफी देख के हर कोई थोड़ा चाय हो जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि आज होलीडे होने के कारण वो जो मदर का रूम है
वो मैं देख नहीं सकता, वो मदर का रूम गुरुवार को बंद रहता है। बाकी तो जो मदर का जो समाधि था वो मैंने देख लिया, और बाकी उनका मदर की जितने भी चीज़ें उन्होंने संभाल के रखी है, वहाँ तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो उन्होंने जितना भी यूज़ किया है उनको जो रियर फोटोग्राफ्स वहाँ आपको देखने को मिलेंगे, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आना, जीवन में आप सफल हो गए। क्योंकि ऐसे भी कोई लोग मिलते हैं कि जिन्होंने पूरा जीवन अपना समाज के प्रति दिया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप जब भी कलकत्ता आएंगे तो कम से कम मदर टेरेसा के हाउस जो अभी मिशनरी कहा जाता है, तो आप वहाँ एक बार ज़रूर ज़रूर आप वहाँ पे आओ, क्योंकि वहाँ के आपको जीवन का जो भी अनुभूति है, हम क्यों पैदा हुए या हम दूसरों के लिए कैसे मदद कर सकते हैं, या आप जान पाएंगे। और मैं देखता हूँ आज दिन का दूसरा जो भी मेरा सफ़र रहेगा उसको मेरे को, मैं अकेला होने के कारण सर्च करना पड़ रहा है कि यहाँ से मैं क्या देखूँ और क्या न देखूँ। तो ये मेरा फर्स्ट आज का, आज तारीख है 23 जनवरी की तारीख में मैंने मदर टेरेसा होम को विजिट किया।